हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस 42nd लेक्चर ऑफ मैनेजमेंट। आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर। बिफोर स्टार्ट दिस आई वुड लाइक टू रिकैप व्हाट एवर आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वन। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्टेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट CPM एंड पार्ट, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद लर्निंग आउटकम ऑफ this session. So after this session and at the end of this session, students will be able to sketch out the networking diagram, network diagram, explain the critical path method, that is CPM, explain the program evaluation and review techniques, and differentiate between CPM and PERTs. Yani ye cheezon ki solve karne ki ability इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट के बीच आ जाएगी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू CPM एंड PERT टेक्निक्स। तो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, दैट इज PERT, एंड क्रिटिकल पाथ मेथड, दैट इज CPM, आर टू मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो PERT है और CPM है, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है, ठीक ना। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑन टाइम, विद इन बजटेड कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन विच सेटिस्फाई द एंड यूजर्स। यानी जो ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो इस रूप में डिस्क्राइब होता है कि जो प्रोजेक्ट है उसका सक्सेसफुल यानी सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए, जो भी निर्धारित स्पेसिफिकेशंस हैं उसका पालन करते हुए, और जो हमारे पास बजट है उसी बजट में। तो ए प्रोजेक्ट इज एनी ह्यूमन अंडरटेकिंग विद क्लियर बिगनिंग्स एंड क्लियर एंडिंग्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो एक मानव अंडरटेकिंग्स है, जो कि उसके एकदम क्लियर कट बिगनिंग और क्लियर कट एंडिंग, इसका जो आप जस्ट अभी हम आपको दिखाएंगे दोनों में कैसे है। तो दिस टेक्निक्स हैव बीन क्रिएटेड आउट ऑफ नीड्स ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट टू प्लान, शेड्यूल एंड कंट्रोल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ये जो जो टेक्निक था उसको, जो CPM और PERT, उसका जो है कि उत्पत्ति की गई उस समय जब वेस्टर्न इंडस्ट्रियल और जो है मिलिट्री में उसका किस तरह से प्लान किया जाए, शेड्यूल किया जाए, और किस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और प्रोजेक्ट था उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके लिए जो है वो विकसित किया गया था। प्रायर टू डेवलपमेंट ऑफ PERT और CPM, जो जब PERT और CPM का विकास नहीं हुआ था, मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग बार और गैंट चार्ट, डेवलप्ड बाय, देखिए ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, हेनरी एल गैंट अराउंड 1900। जब PERT और CPM का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले बार और गैंट चार्ट का डेवलप किया गया था हेनरी एल गैंट के द्वारा, जिसका प्रयोग जो है किया जाता था। और ये चार्ट, जो द चार्ट शोज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क ऑन द ऑन ए टाइम स्केल। और जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि अगले लेक्चर में इसको बताऊंगा, तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था कि पूरी तरीके से कि कौन टाइम कब तक कंप्लीट हो जाएगा, और इसी टेक्निक का एप्लीकेशन और यूज करके उस समय काम किया जाता था और प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता था। अब इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT। अब इसको हम देखते हैं, शुरू करते हैं पहले PERT से, देन वो इसका हम लोग करेंगे PERT के बाद क्या बोलते हैं CPM। तो PERT वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1957, ध्यान रखिएगा। पूछता है ऑब्जेक्टिव, एज ए मेथड ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द पॉलिस
मिसाइल पोलराइज मिसाइल प्रोग्राम बाई पुंच एलन एंड हैमिल्टन टुगेदर विथ यूएस नॉवल डिपार्टमेंट, यानी यूएस के नौसेना विभाग के साथ बुच एलन हैमिल्टन तीनों एक साथ मिलकर पहली बार 1957 में पर्ट का प्रयोग किया। जिस एम वाज टू फिनिश प्रोजेक्ट 2 ईयर्स इन एडवांस, और उसका उद्देश्य था कि जो प्रोजेक्ट है उसको 2 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया जाए। पर्ट डिस्क्राइब बेसिक नेटवर्क टेक्निक विच इंक्लूड्स प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट। यह जो है कि एक बेसिक नेटवर्क टेक्निक को बताता है जो प्लानिंग मॉनिटरिंग और कंट्रोल को प्रोजेक्ट को के लिए प्लान करना, उसका मॉनिटरिंग करना और उसको ऊपर कंट्रोल रखना उसका जो है कि वर्णन करता है। अब पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन द फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इट इज कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर कंडक्टिंग इनिशियल रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट। जो पार्ट है या आमतौर पर परियोजना की जो जो प्रोजेक्ट है उसकी जो प्रारंभिक समीक्षा है, वो प्रारंभ जो जो क्या बोलते हैं जो इनिशियल उसका रिव्यू है उसके लिए नियोजित किया जाता है पार्ट ना, उसके लिए एम्प्लॉयड किया जाता है पार्ट। सेकेंड जो है कि पार्ट एक्चुअली डेवलप्ड एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लानिंग टूल। देखिए ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लानिंग टूल्स वेयर एक्टिविटी टाइमिंग्स कुड नॉट बी एस्टिमेटेड विद इनफ सर्टेनिटी। यानी कि ये जो पार्ट है वो वास्तव में रिसर्च एंड डेवलपमेंट टूल्स के रूप में विकसित किया गया था, जहाँ जो एक्टिविटीज है जो गतिविधियाँ हैं उनको समय का अनुमान पर्याप्त जो है सर्टेनिटी के साथ निश्चितता के साथ नहीं लगाया जा सकता। और जहाँ पर्याप्त सर्टेनिटी और निश्चितता के साथ हम किसी का अनुमान नहीं लगाते हैं वहाँ हम प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स का एप्लीकेशन करते हैं। तो नेक्स्ट है कि पार्ट कैन बी एम्प्लॉयड एट दोज प्लेसेज वेयर प्रोजेक्ट कैन नॉट बी इजिली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड सोर्सेज रिक्वायर्ड। और ये कह रहा है कि हम वहाँ इसको लगाते हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट को टाइम और रिसोर्स कितनी ज़रूरत होगी इसके संदर्भ में रिक्वायर्ड नहीं, अरे वो एनालाइज नहीं किया जा सकता है, उसमें डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो पार्ट नेक्स्ट है कि पार्ट इज मेनली कंसर्न विद इवेंट्स एंड दस इट इज एंड इवेंट ओरिएंटेड सिस्टम। ध्यान रखिएगा पार्ट इवेंट ओरिएंटेड सिस्टम है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है पार्ट इज एंड इवेंट ओरिएंटेड सिस्टम। द बेसिक टूल्स यूज्ड इन पार्ट टेक्निक इज नेटवर्क फ्लो प्लान। नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिलेटेड इवेंट्स एंड एक्टिविटीज। तो नेटवर्क किससे बनता है? इवेंट्स और एक्टिविटीज, और इवेंट्स क्या होता है, एक्टिविटीज क्या होता है, आगे हम बताते हैं। अब पार्ट प्लानिंग टेक्निक कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग स्टेप्स। पार्ट जो है निम्नलिखित स्टेप्स से बनता है। फर्स्ट प्रोजेक्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज। जो प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट छोटी छोटी एक्टिविटीज में पार्ट में जो है क्रियाओं में उसको बांट दी जाती है। एक्टिविटीज आर अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस, इट मीन्स इट इज एनी ऑर्डर ऑफ इवेंट्स और थिंग्स दैट मेक सेंस, यानी एक सेंस बनाए उस सीक्वेंस में इसको अरेंज किया जाता है। द नेटवर्क डायग्राम इज ड्रॉन, देन नेटवर्क ग्राम ड्रॉन किया जाता है। इवेंट्स एंड एक्टिविटीज आर नंबर, जो इवेंट है और जो एक्टिविटीज है उनको उनका नंबरिंग होता है। जैसे ये हो गया आपको इवेंट, ये हो गया इवेंट्स, ये दोनों इवेंट्स हो गया, ये एक्टिविटी, तो ये नंबर 1 2 इस तरीके से इसकी नंबरिंग की जाती है। आगे हम इसको दिखाएंगे, बना हुआ डायग्राम है। यूजिंग 3 टाइम्स एस्टिमेट्स द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटीज इज कैलकुलेटेड। जो 3 टाइम्स एस्टिमेट्स का प्रयोग करके जो एक्सपेक्टेड टाइम है फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए उसको हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है यहाँ कि व्हाट इज 3 टाइम्स एस्टिमेट। तो 3 टाइम्स एस्टिमेट टेक्निक इज यूज इन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटिंग द आउटकम ऑफ फर्दर इवेंट बेस्ड ऑन वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन। देखिए अ वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स यू आर नॉट सर्टेन इन दिस रिगार्ड व्हाट मे बी हैपन। 3 पॉइंट्स, दैट इज फर्स्ट इज द मोस्ट पेसिमिस्टिक, सेकेंड इज मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक एंड थर्ड इज मोस्ट लाइकली।
मोस्ट पेस्टिमिस्टिक मतलब इन केस व्हेन एवरीथिंग गोज रॉन्ग, ऑप्टिमिस्टिक्स इन केस वेयर एवरीथिंग गोज राइट, एंड मोस्ट लाइकली थर्ड दैट इज केस इवन मोरल प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। तो इन चीजों के आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फॉर ईच एक्टिविटीज आर कंप्यूटेड। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन एक्चुअली ये न्यूमेरिकल हमको बताना नहीं, एक्चुअली ये पूरी तरह से मैथमेटिकल सेक्शन है। जब मैथमेटिकली ड्रॉ किया जाएगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ऐसे आपके डिमांड और नीड्स के अकॉर्डिंग आई कैन डू दिस इन अ सेपरेट लेक्चर। सो अर्लियर स्टार्टिंग टाइम्स और लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम आर कैलकुलेटेड। ये दोनों कैलकुलेट किया जाता है, अर्लियर स्टार्टिंग टाइम्स और फिनिशिंग टाइम इसका। देन एक्सपेक्टेड टाइम, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम्स आर मार्क ऑन नेटवर्क ड्राइंग डायग्राम ना, जो नेटवर्क डायग्राम है उस पर भी ये मार्क किया जाता है। स्लैक एज शेड्यूल, जो स्लैक है, स्लैक का यहाँ मतलब है दैट मीन्स स्लैक डिनोट्स हाउ मच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड बियॉन्ड इट्स अर्लीस्ट स्टार्ट डेट विदाउट काउजिंग एनी प्रॉब्लम इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट बाई इट्स ड्यू डेट। यानी बिना किसी प्रकार की, जो ये स्लैक है वो बताता है कि बिना किसी प्रकार के प्रॉब्लम बताए कितना डिले हो सकता है, कितनी डिले होने की संभावना है, ये चीज़ है। तो स्लैक इज कैलकुलेटेड। क्रिटिकल पाथ आर आइडेंटिफाइड एंड मार्क ऑन द नेटवर्क ड्राइंग। दे क्रिटिकल पाथ जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है नेटवर्क ड्राम में, डाइग्राम में उसको मार्क किया जाता है। लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज फाउंड, जो प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन है वो भी प्राप्त किया जाता है कि कितना टाइम लगेगा। एंड लास्टली द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल फिनिश एट ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड। और एक जो लास्ट अंततः ये भी कैलकुलेट किया जाता है किस टाइम तक जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑल एक्टिविटीज एरोज मस्ट बिगेन एंड एंड विद इवेंट नोड। देखिए जो इवेंट नोड से ही वो शुरू होता है इसमें, फर्स्ट में और अंत भी होता है। ओके सो इट इज शोन इन द फिगर। देखिए ये है फर्स्ट इवेंट नोड से स्टार्ट हुआ ना, इसको बोलते हैं जो मैंने ऊपर बताया एक्टिविटीज, और दिस इज द फिनिश्ड इवेंट। तो ये स्टार्टिंग और अंत, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना पार्ट में कि इवेंट नोड से ही स्टार्टिंग और अंत होता है इसका। अब हम आते हैं डायग्राम ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि आपको थोड़ा दिख दिख पाए। अब देखिए कहता है कि डायग्राम ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क, ये प्रोजेक्ट नेटवर्क का डायग्राम है। यहाँ देखिए ये जो ये सेक्शन आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ नोड्स कितना है। देखिए यहाँ एक है, एक नोड्स, दो, फिर तीन, चार, ये नोड्स के नंबर बता रहे हैं। टोटल 8 नोड्स है, काउंट कर दीजिए, और 3, 3, 6, 2, 8 है ना। तो ये बता रहा है नंबर ऑफ नोड्स। अब जो है कि अर्लीस्ट इवेंट टाइम, जो अर्लीस्ट इवेंट टाइम है वो ये सेक्शन ये बताता है। यहाँ अभी जीरो टाइम है, अभी शुरू नहीं हुआ है, तो ये है, तो ये अर्लीस्ट। और जो नीचे वाला ये सेक्शन है ये तो अर्लीस्ट इवेंट टाइम, ये हो गया क्या लेटेस्ट इवेंट टाइम। तो ये सेक्शन बताता है लेटेस्ट इवेंट टाइम। एंड ये जो एरो है ये आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये क्रिटिकल एक्टिविटीज बता रहा है कि कौन किस पार्ट से कम समय में कंप्लीट। ये देखिए ऐसे आया है ये क्रिटिकल एक्टिविटी ना, पहले यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया ये है। अब एक और ये बताता है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, जो येलो ये सॉरी ये क्या बोलते हैं वो बता रहा है इसके एक्टिविटी सिंगल एरो है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। इन लास्ट टर्मिनल नोट्स इनपुट ड्यू डेट ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल कंपेरिजन और इट इज आइडेंटिफाई द कंफ्लिक्टिंग एक्टिविटी। इफ सिक्स वाई इज सिक्स देन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज 5 डेज। तो इस तरीके से ये मैथमेटिकली आप जब चलिएगा तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि किस प्रकार से ये कंप्लीट हो रहा है। और अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM जिसको हम कहते हैं। तो EIDU पॉइंट डे नॉम्स कंपनी यूएसए ऑफ यूएसए इन द ईयर 1958 वाइल ओवरहॉलिंग ए केमिकल प्लांट एम्प्लॉयड
टेक्निक इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ मेथड। टू शेड्यूल एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट एंड एक्सपीरियंस ए गुड अमाउंट ऑफ सेविंग। यानी जो है वो इसको 1958 में ना डेवलप किया गया, जबकि एक केमिकल प्लांट का इसका जीर्णोद्धार करने के लिए उसको मतलब क्या बोल सकते हैं पूरी तरीके से उसका मरम्मत करने के लिए, ताकि प्रोजेक्ट एंड एक्सपेक्टेड गुड्स अमाउंट ऑफ सेविंग, ताकि एक सर्टेन अमाउंट को सेव किया जा सकते, कम पैसा में सही वर्क किया जा सकते। अनलाइक पार्ट सीपीएन डेवलप्ड इन सिविल बिजनेस, सिविलियन बिजनेस एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वेयर एक्टिविटी टाइमिंग वर रिलेटिवली वेल नोन। अच्छा ऐसा ना, ये क्या है कि देखिए एक ही साथ साइमल्टेनियसली ही डेवलप हुआ है, लेकिन जो सीपीएम है वहाँ सिविलियन बिजनेस और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में डेवलप हुआ, जहाँ की जो है कि टाइम जो है वो यदि पर्ट के अपेक्षा देखा जाए तो यहाँ नोन होता है कि भाई कितने टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, यानी रिलेटिवली वेल नोन, अच्छे तरीके से यहाँ समय में प्रोजेक्ट को कंप्लीशन का टाइम पता होता है। सीपीएम इज अप्लीकेबल टू बोथ लार्ज एंड स्मॉल प्रोजेक्ट। ये लार्ज प्रोजेक्ट में भी अप्लीकेबल है और स्मॉल प्रोजेक्ट में भी अप्लीकेबल है। टेकिंग फ्रॉम स्पेस प्रोग्राम टू वेडिंग और हॉर्स आवर, यहाँ की अंतरिक्ष से संबंधित प्रोग्राम से लेकर शादी समारोह तक भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड इज द मोस्ट वर्सटाइल एंड पोटेंशियल मैनेजमेंट प्लान। और यह देखा जाए तो यह एक सबसे बहुमुखी और जो है कि प्रबल टेक्निक है सीपीएम ना, प्लानिंग टेक्निक है। सीपीएम इज ए टेक्निक यूज फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द मोस्ट लॉजिकल एंड इकोनॉमिक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर अकम्प्लिशिंग ए प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज एनालाइज इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज हुज रिलेशनशिप एज इन पार्ट आर शोन ऑन नेटवर्क डायग्राम। द नेटवर्क इज देन यूटिलाइज फॉर ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोग्रेस एंड कंट्रोल। जो सीपीएम है वो जो मोस्ट लॉजिकल और इकोनॉमिक सीक्वेंस के ऑपरेशन को किस तरीके से अकम्प्लिश करना है किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को, उसके बारे में पता था। और ये प्रोजेक्ट वहाँ इसको हम अप्लाई करते हैं जहाँ के, यहाँ पे टाइम भी वेल नोन रहता है और ये डिफरेंट एक्टिविटीज जो कि हुज रिलेशनशिप एज ए पार्ट आर शोन ऑन टाइम डायग्राम, जैसा कि उसमें दिखाया गया था, टाइम ग्राम दिखाया गया था, ये काफ़ी ऑप्टिमाइज करता है रिसोर्सेज का, चाहे प्रोग्रेस और कंट्रोल की, मतलब यहाँ पर एकदम कंक्रीट रहता है कि इस तरीके से इन संसाधनों का प्रयोग करके इस सर्टेन टाइम तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब सीपीएम एम्प्लॉय द फ्लोइंग स्टेप्स फॉर अकम्प्लिशिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब ये जो सीपीएम है वो कई स्टेप लेता है प्रोजेक्ट प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए। उसमें पहला है ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इनटू वेरियस एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली। जो प्रोजेक्ट है उसको सिस्टमेटिकली बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज में बांध देता है, देन लेवल ऑल एक्टिविटीज उसको लेवल कर देता है, देन अरेंज ऑल एक्टिविटीज इन लॉजिकल सिक्वेंस ना, मीनिंग फुल सिक्वेंस में उसको फिर सजाता है, कंस्ट्रक्ट एरो डाइग्राम, उसके बाद एरो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करता है, नंबर ऑल नोड्स एंड इवेंट्स एंड एक्टिविटीज, जो भी इवेंट्स हैं और एक्टिविटीज हैं उनको नंबरिंग करता है 1, 2, 3 जैसा कि आपने देखा पार्ट में। देन फाइंड द टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के लिए टाइम निकालता है, एंड मेक द एक्टिविटी टाइम्स एंड एरो डायग्राम, फिर मार्क द एक्टिविटी टाइम्स और एरो डायग्राम्स मार्क करता है, कैलकुलेट अर्लियर एंड लेट स्टार्ट एंड फिनिशिंग टाइम ना, स्टार्ट और फिनिशिंग टाइम भी उसका कंप्लीट करता है, टेबुलेट वेरियस टाइम्स एंड मार्क्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम्स एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम्स ऑन एरो डायग्राम। यहाँ अर्लीस्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम का मतलब है कि इट इज द लेटेस्ट टाइम बाई विच द ऑपरेशन मस्ट बी कंप्लीटेड, so that scheduled date for completion of project may not be delayed. ना इस तरीके से इसका मतलब है कि इस तरीके से हमें इसको
कंप्लीट करना है, ऑपरेशन को फुलफिल करना है, ताकि जो हमारा शेड्यूल डेट है प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए उसमें किसी प्रकार का डिले ना। जबकि अर्लियर स्टार्ट टाइम है द टाइम अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम बाई विच वर्क कैन बी स्टार्टेड। और यहाँ की जिस तरीके से उस टाइम को बताता है कि कब तक जो है वर्क कितना टाइमली स्टार्ट होगा, उसके बारे में कैलकुलेट द टोटल फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटीज, देन आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड मार्क क्रिटिकल पाथ ऑन एरो डायग्राम। उस आइडेंटिफाई करना है उस एक्टिविटीज को, उसके बाद उसको एक मोडेड लाइन से उसको आइडेंटिफाई करना है। कैलकुलेट द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कितना टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वो ड्यूरेशन कैलकुलेट कीजिए। इफ इट इज इंटेंडेड टू रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यदि ये आप प्रतिबद्ध हैं, ये आप इरादा करते हैं कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन घटाना है, कम समय में ही काम करना, देन क्रैश द क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑफ नेटवर्क। तो ये क्रैश, क्रैश का मतलब यहाँ है कि प्रोजेक्ट क्रैशिंग इज द मेथड ऑफ शॉर्टेनिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय रिड्यूसिंग द टाइम्स ऑफ वन और मोर क्रिटिकल एक्टिविटी टू लेस देन दियर नॉर्मल टाइम। तो क्रैशिंग इज अचीविंग बाई डिवोटिंग मोर रिसोर्सेज, वाट एवर ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज ना। तो इस तरीके से ये तो क्रैश क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑफ नेटवर्क, ऑप्टिमाइज द कॉस्ट, अपडेट नेटवर्क एंड अ स्मूथ नेटवर्क रिसोर्स। तो एक चीज़ है, अब इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं कि कैसे इन्होंने इंडिकेट किया है जो क्रिटिकल पाथ को ना। अब देखिए ये आप देख रहे हैं, ये इनका जो है रेड लाइन से आप जो देख रहे हैं, ये एक क्रिटिकल पाथ है कंप्लीशन। इसको मैथमेटिकली इसको भी अच्छे से आप समझ पाइएगा ना, मैं जरूरत होगा आपका, डिमांड होगा तो मैं वो ऑनलाइन लेकर बना दूंगा वो भी। अब डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स एंड सीटीएम, अब दोनों हम पढ़ लिए लेकिन उस दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या मूल अंतर है वो देखते हैं। तो देर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स एंड सीटीएम, इन फैक्ट वो आर डेवलप्ड साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली, एक ही साथ स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ फ्रॉम सिमिलर रिक्वायरमेंट और एक ही प्रकार के जरूरत को, एक ही प्रकार की समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए। द ओनली डिफरेंस लाइज इन द इवेंट्स और एक्टिविटी, और जो डिफरेंस है तो वो सिर्फ और इवेंट और एक्टिविटी ऑन विच नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड, जिस पर कि नेटवर्क बनता है। तो द एक्टिविटीज एक्सटेंड फॉर द टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट जो एक्टिविटी है वो दिखाता है कि जो जैसे ये इवेंट हो गया, ये इवेंट हो गया, और यहाँ से यहाँ कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसको बताता है एक्टिविटी कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो इट रिप्रेजेंट ए जॉब ऑन वदर हैंड एंड इवेंट ऑल्सो कॉल्ड नोड्स आइदर बिगनिंग और एंड ऑफ जॉब। अब ये जो इवेंट्स है या तो शुरुआत की हो या अंत को हो, ये क्या बताता है इवेंट्स, ये नोड जो है इवेंट्स को बताता है, किसको बताता है इवेंट्स, इसको नोड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछ सकता है। एंड द सीपीएम एनालिसिस इज एक्टिविटी ओरिएंटेड एंड पार्ट इज इवेंट ओरिएंटेड, ध्यान ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सीपीएम जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है, ये ध्यान रखिए, और जो पार्ट है वो इवेंट ओरिएंटेड है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अब हम थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है ही, जिसको हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए सीपीएम इज ए काइंड ऑफ टेक्निक कॉमनली नोन फॉर इट्स यूज इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, वेयर एज पार्ट इज मोस्टली यूज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लाइक प्रोजेक्ट कंसिडर्ड बीइंग इन काइंड ऑफ नॉन रिपीटेटिव नेचर ना। यहाँ उस तरह के जो जिस प्रोजेक्ट में हमको ये डिसाइड करना मुश्किल है कि कब कंप्लीट होगा, और प्रोजेक्ट कंसिडर्ड बीइंग ए काइंड ऑफ नॉन रिपीटेटिव वर्क, किसी प्रकार का रिपीटेटिव वर्क नहीं होता वहाँ पर, पार्ट यूज होता है, जबकि कंस्ट्रक्शन जैसे वर्क में सीपीएम यूज होता है। बोथ टेक्निक्स हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग, लाइक सीपीएम यूजेज डिटर्मिनिस्टिक कॉन्सेप्ट वर्क, अपना वर्क के लिए वो डिटर्मिनिस्टिक कॉन्सेप्ट यूज करता है, वेयर एज प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्सेप्ट यूज बाई पार्ट, और जबकि पार्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिस्टिक जो है प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्सेप्ट को यूज करता है।
थर्ड है कि नेटवर्क अप्रोच आल्सो वैरीज इन बोथ टेक्निक्स, लाइक सीपीएम यूजेज नेटवर्क दैट बेस्ड अपॉन एक्टिविटी ओरिएंटेड। जो सीपीएम अपना नेटवर्क यूज करता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है ऑन द कंट्रारी, दूसरा तरफ जो है पार्ट यूजेज नेटवर्क बेस्ड ऑन इवेंट ओरिएंटेड, तो ये इवेंट पर बेस्ड। एंड नेक्स्ट है इन द पार्ट टेक्निक एन एस्टिमेशन ऑफ टाइम फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज इज नॉट परफेक्ट। जो पार्ट में है हर एक्टिविटी का जो टाइम है वो परफेक्टली डिसाइड नहीं हो पाता है एंड नो एक्यूरेट भी नहीं हो सकता है, हम बता नहीं सकते हैं कब तक ये जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। वेयर एज इन सीपीएम एक्टिविटीज ड्यूरेशंस आर एस्टिमेटेड विद क्वालिटी ऑफ एक्यूरेसी। यहाँ एक्यूरेसी के साथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट ये कार्य कब तक कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बोथ ऑफ द टेक्निक्स यूज फॉर सेम पर्पस बट नेचर ऑफ दियर वर्किंग इज डिफरेंट। सम कैन डू दियर वर्क इफिशियंटली विथ सीपीएम एंड सम कैन डू विथ पार्ट। कुछ लोग काफी दक्षतापूर्वक सीपीएम के साथ ही काम कर लेते हैं, उसी को निपटा देते हैं, जबकि कुछ जो है पार्ट के थ्रू। तो ये जो है टेक्निक्स जो है वर्क और लोगों के यूज करने की अलग अलग ये है तरीके पर डिपेंड करता है। सीपीएम हैज वन टाइम एस्टिमेट वाइल पार्ट हैज थ्री टाइम एस्टिमेट, जैसा देखे थे इसका वन टाइम एस्टिमेशन होता है। एंड सेवेंथ इज अंडर सॉरी अनप्रिडिक्टेड एक्टिविटीज आर मैनेज विद हेल्प ऑफ प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक दैट इज पार्ट। वेयर एज सीपीएम इज यूज टू डीलिंग दोज प्रोजेक्ट दैट हैव सम अलार्मिंग एक्टिविटीज, यानी जो है कि वहाँ यूज किया जहाँ कि हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं एक्टिविटीज का कि कब तक होगा, वहाँ हम पार्ट यूज करते हैं। लेकिन सीपीएम इज यूज टू डीलिंग दोज प्रोजेक्ट दैट हैव सम अलार्मिंग एक्टिविटीज, जिनके पास कुछ जो है चिंताजनक गतिविधियाँ जो है होती है वहाँ पर इसका यूज होता है। एंड दीज टू टेक्निक्स सेड टू बी की एलिमेंट्स फॉर द मैनेजमेंट। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़े सीपीएम पढ़े, उसके बाद जो है कि यानी सीपीएम एंड पार्ट के बारे में पढ़े, देन स्टेप्स ऑफ पार्ट एंड सीपीएम पढ़े एंड डायग्राम्स ऑफ पार्ट्स एंड सीपीएम पढ़े। ओके, एंड लर्न दैट व्हाट आई हैव लर्न ड्यूरिंग दिस लेक्चर एंड लर्न दैट पार्ट एंड सीपीएम आर टू ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑन टाइम विद इन द बजट कॉस्ट एंड अदेरिंग टू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन विच सेटिस्फाई द एंड यूजर्स। एंड दीज टेक्निक्स हैव बीन क्रिएटेड आउट ऑफ नीड्स ऑफ द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट टू प्लान शेड्यूल्स एंड कंट्रोल द कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, बट नाउ एडेज इट इज एक्सटेंडेड टू ईच एंड एवरी एरियाज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।